गाइस अभी तक तो सब ठीक चल रहा था बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस वैनिटी में मैं सुबह से बैठी थी उसका एसी हैज जस्ट कॉन्ग्ड ऑफ एंड दिस वैनिटी इज गोना गो अवे। आई डोंट नो दूसरी वैनिटी कब आएगी, कैसे क्या होगा, बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड यहाँ पे जितने भी मेकअप रूम्स हैं दे आर ऑल फुल टुडे बिकॉज सारे एक्टर्स आज शूट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ने मुझे कहा है दैट दे आर कॉलिंग फॉर अनदर वैनिटी वैन, लेट्स सी कितनी देर में आती है, तब तक मैं शूट करके आती हूँ। अब आप बोल में से एक चेक निकालिए ताकि पता चले कि आपका पार्टनर कौन है। ठीक है, आइए। टी ब्रेक हो गया है एंड आई डोंट नो वैनिटी का क्या हुआ। मैम आपकी इच्छा है, ओके, आपको रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, आपकी वैनिटी आ चुकी है और रूम में जो वैनिटी आई हुई है सेलिब्रिटी है माधवी दीक्षित। क्या सच्ची बोल रहा हूँ? हाँ, ओके। तो चाय ब्रेक में मुझे स्पॉट दादा ने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है कि मेरे लिए जो वैनिटी वैन आई है वो माधुरी दीक्षित की वैनिटी वैन है। ये आई एम सो एक्साइटेड टू सी द वैनिटी वैन नाउ। मूव लाइलैक, आप कलर्स देख रहे हैं इस ब्यूटीफुल वैनिटी वैन के। दिस इज सो प्रिटी, द इंटीरियर्स आर सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस वैनिटी वैन। इसका ऑर्नेट मिरर देखिए, मिरर हम लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज एक्टर्स जो होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है खुद को मिरर में निहारना। ये हमारी शाही गद्दी है, चेयर है जिसमें बैठ के मेकअप और हेयर किया जाता है एंड ये जो लाइट्स है ना, ये लाइट्स जो होती हैं ये मेकअप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब हम थक जाते हैं ना तो इस बिस्तर पे आप थोड़ा सा आराम भी फरमा सकते हैं। जस्ट लाइक अ होटल देयर आर कैबिनेट्स। ये मेरा शूटिंग बैग है और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग है। नीचे एक मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है पानी ठंडा करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स जो मन चाहे यू कैन पुट इट इनसाइड द फ्रिज। तो अगर वो बेडरूम था, ये लिविंग रूम है। ये यहाँ पे बैठने के लिए सोफे हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें यहीं पे बिठाया जाता है। मीटिंग्स होती है वैनिटी वैन में एक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ में। वैनिटीज के अंदर ना पूरा टॉयलेट बाथरूम सब कुछ होता है। यू कैन एक्चुअली टेक अ शावर इन योर वैनिटी बिकॉज कई बार कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम गंदे हो जाते हैं तो यहीं आके हमें नहाना भी पड़ता है। यार वैनिटी में ज़्यादा टाइम इन्जॉय करने का टाइम नहीं मिला, आई हैव टू रश फॉर द शूट बिकॉज लास्ट का जो चंक है ना वो बाकी है, बहुत सारा पोर्शन अभी बाकी है, सो आई हैव टू गो टू द सेट। अभी अच्छा हो रहा है।